नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यात्राओं का दौर जारी है। सबसे पहले यात्रा की शुरुआत की जाती है बिहार के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव द्वारा। तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा करते हैं बिहार में। अब उसके बाद बातें ये कही जाती है, खबरें निकल कर सामने आती है कि साल के अंत होते होते नीतीश कुमार भी यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में भी बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह की भी यात्रा शुरू होती है। उनकी यात्रा की नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अब जदयू की तरफ से भी यात्रा निकल रहा है और जदयू की लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने भी ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत उन्होंने किया है। अब देखिए, लेसी सिंह पूर्णिया में पहुंची हुई हैं। वहां गांव-गांव में घरों-घरों में जा रही हैं, खासकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। और इतना ही नहीं, गांव में सबसे ज़्यादा गांव की साफ़ सफाई से रिलेटेड वो जो है बातें कर रही हैं। खुद हाथ में झाड़ू उठा ली हैं और पूर्णिया में झाड़ू लगाती हुई नज़र आ रही हैं लेसी सिंह। क्या कुछ तस्वीरें पूर्णिया से निकलकर सामने आई है लेसी सिंह की। और जब वो पूर्णिया पहुंचती हैं तो पारंपरिक गीत गा करके पूर्णिया की महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं। वो तस्वीरों के साथ आपको छोड़ेंगे। समाधान शिविर का आयोजन हुआ है, तो देखिए अभी जो हमारा यात्रा है ग्राम गौरव यात्रा है, जिसमें कि सामाजिक अभियान भी है इसमें जुड़ा हुआ। साथ ही साथ जो पहले समाधान शिविर में आवेदन दिए थे जमीन के पर्चा के लिए, राशन कार्ड के लिए, विभिन्न तरह के लाभ के लिए, तो आज उसका भी यहाँ पर निदान होके कई लोगों को, करीब 70 लोगों को पर जमीन का पर्चा मिला है। सैकड़ों लोगों को यहाँ पर अभी राशन कार्ड मिलेगा। तो ये हम लोग जो जनता की सेवा के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, लोगों को जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे पर्चा बनाने के लिए हो, राशन कार्ड के लिए बनाने के लिए हो, या वृद्धा पेंशन के लिए, हम लोग गांव में ही पंचायत में ही शिविर लगा के लेते भी हैं और फिर उनका निदान करके समाधान करके यहां बांट भी रहे हैं। आप लोग देखे हुए समाधान शिविर इसी के बगल में हुआ था, संजा घाट में जो लिया गया था, आज उसका समाधान हो रहा है। हम लोगों का जो कितना कम से कम लोगों को भाग दौड़ करना पड़े, इसके लिए हम लोग गाँव में ही व्यवस्था कर रहे हैं, गाँव में रुक रहे हैं, सुन रहे हैं और उनका समाधान भी करके गाँव में ही उनका पर्चा वितरण हो, राशन कार्ड हो, ये सब उनको दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के काउंटर यहाँ बनाए गए हैं और भी है, अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, श्रम विभाग के हैं, डॉक्टर का टीम भी है, यहाँ शिविर भी लगा है, तो कई तरह के यहाँ विभिन्न विभाग के का स्टॉल भी लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है, वहाँ लोग आवेदन दे रहे हैं। उसका फिर हम लोग जो अभी होने वाला है, चाहे बिजली विभाग हो, हर विभाग का काउंटर है, सब लोग आवेदन आज देंगे। जिनका आज समाधान होने वाला होगा आज होगा, जो बाद में समाधान होने वाला होगा बाद में समाधान होके लोगों तक सूचना पहुँचेगी। ये हम लोग व्यवस्था निरंतर करा रहे हैं, कोई आज एक दिन का नहीं है, लगातार आप लोग देखे होंगे इस समाधान शिविर के माध्यम से हो तो हम लोग निदान करा रहे हैं, समाधान करा रहे हैं। मैडम, ये हम कह रहे थे कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था, और शहर के क्षेत्रों में तो सफाई अभियान चलता है, लेकिन आपने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान को चलाया है, क्या मकसद? देखिए, ये सब ग्राम गौरव यात्रा में सामाजिक अभियान भी जोड़े हैं, और इस अभियान में जो बापू का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था कि जब तक हमारा गांव नहीं आगे बढ़ेगा, गांव नहीं स्वच्छ होगा, ग्राम स्वराज की स्थापना हो, लोग स्वच्छ रहे, बापू उस समय कहते, गांधी जी उस समय बोले थे, उस समय अभियान चला रहे थे कि नशा मुक्ति की ओर हमारा समाज हो, नशा मुक्त समाज हो, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, अपना गांव का गौरव बढ़े। उस काम को जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने इसकी शुरुआत की थी, आज हम लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी है, जब हम सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो अगुवाई कर रहे हैं, तो विकास के साथ साथ इस सामाजिक अभियान को भी हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो गांव का गौरव है वो आगे बढ़े। जब तक कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जब हमारा गांव में एक एक लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे, स्वच्छता जागरूकता अभियान भी हम लोगों ने अभी सुबह सांकेतिक रूप से शुरुआत किए, और भी पर्यावरण को लेकर भी
हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पौधा दे रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, वृक्ष दान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे। कई तरह की कुप्रथा है, दहेज लोग लेते हैं, दहेज प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, नशा मुक्त हो, इन तीनों के लिए तो कानून बना है, लेकिन कानून के अलावा कानून भी काम करती है। साथ साथ हमारा और समाज का आपका भी दायित्व तो है कि हम इस कुरीति को एक जन जागरण अभियान के तहत इसको हम समाप्त करें, तभी हमारा एक सुंदर गांव बन सकता है। जब हमारा सुंदर गांव होगा, अच्छा गांव होगा और समृद्ध होगा हर तरह से, तभी हमारा राज और देश तरक्की करता है। इसलिए हम लोग बहुत असर, हम लोग तो रुक रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, सुबह स्वच्छता अभियान चलाए, फिर लोगों से मिल रहे हैं, रात में भी संवाद कर रहे हैं, दिन भर मिल रहे हैं, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता से ही कोई चीज़ पर हम सफलता पा सकते हैं। जब तक इस अभियान में सभी लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक किसी भी आप अच्छे काम को, कोई भी अभियान को सफल नहीं बना सकते हैं। इस अभियान में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और इस सामाजिक अभियान में साथ मिल रहा है लोगों का बहुत, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, आप लोग साथ चल रहे हैं। इतना लोगों का अगुवाई करने वाला तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो अगुवाई करेगा। तो हम लोग जो हमारे पूर्वजों ने ग्राम गौरव को आगे बढ़ाया, गांव का गौरव आगे बढ़ाया, वैसे महापुरुषों को, पूर्वजों को भी नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर हम लोग गाँव को समृद्ध कर रहे हैं। हमारा एक सशक्त और सुंदर और स्वच्छ गांव हो, स्वस्थ हो, स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। ये हर एक पहलू को हम लोग इस अभियान में जोड़े हैं।